फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में लोग डिस्कस किए थे एडिंग और मॉडिफाइंग अ कॉलम टू अ डेटा फ्रेम यूजिंग एट एंड एलओसी लॉक एट्रीब्यूट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडिंग और मॉडिफाइंग अ रो टू अ डेटा फ्रेम यूजिंग एट एंड लॉक एट्रीब्यूट, ठीक है ना। बिल्कुल सिमिलर है कॉलम की तरह, लाइक कॉलम You can modify or add row to a data frame using at and lock attribute. जो syntax पे हम डिस्कस कर लेते हैं, syntax df object dot at, ठीक है, यहां पे square bracket लेंगे, रो नेम कॉमा, याद कीजिए कॉलम में बिल्कुल इसी तरीके से था, कोलोन इक्वल टू न्यू वैल्यू। कॉलम में हम लोग क्या कहते हैं, यहां पे कोलोन पहले देते थे, रो के लिए छोड़ देते थे क्योंकि हम कॉलम यूज कर रहे हैं, कॉमा करके यहां देते थे कॉलम नेम, ठीक है। तो ये डॉट एट के लिए लोकेशन का भी सेम है और करके लिख देंगे, अब जो भी यूज करना चाहे df ऑब्जेक्ट डॉट एलओसी सेम सिंटैक्स है, रो नेम कॉमा कॉलम इक्वल टू न्यू वैल्यू, ठीक है। अब एक हम कंसीडर करते हैं डेटा फ्रेम को, जो मान लेते हैं कि ये क्रिएटेड है या लोडेड है सिस्टम में। डेटा फ्रेम का नाम है, मान लेते हैं df3, रोल नंबर है, नेम है एज, फोर कॉलम इंडेक्स है, फोर कॉलम्स है और रोज में आ जाइए आपका हैश वन हैश टू फाइव रोज, रोल नंबर ले लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव, नेम ए ए ए मान लेते हैं 15, एग्जिमिशन है, एज्यूम वैल्यू है, एज्यूम वैल्यू है जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। अब हमको एक पर्टिकुलर रो में, मान लेते कोई एक पर्टिकुलर रो में आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो क्या करें, सिंटैक्स को देखें क्या लिख करें, कमांड देते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल df3 ये आपका डेटा फ्रेम का नाम हो गया, डॉट आप एड कमांड भी यूज कर सकते हैं और लॉक कमांड भी यूज कर, लॉक एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं, या लिखेंगे एट मान लेते हैं, या मान लेते हैं सेकंड वाले को, तो सेकंड में रो नेम पहले आ जाएगा हैश, जिस रो को आपको सिलेक्ट करना है यहां पर ले लिए, कॉमा देके कॉलम दे दिया, ये कॉलम के लिए छोड़ देना, इक्वल टू मान लेते हैं आप 18 लिख लें, तो ये इफेक्ट क्या होगा जब आप df3 करेंगे डिस्प्ले करेंगे तब क्या होगा, ये सेकेंड रो जो आपका है इसमें जितने वैल्यू है 2 bb 16 17 ये सारे वैल्यू जो है वो आपको रिप्लेस हो जाएंगे 18 से, देखिए स्ट्रिंग वैल्यू है फिर भी ये न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा 18 18 18, ठीक है। ये पहला एग्जांपल है, सेकेंड एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आप यहाँ पे एक ऐसा रो दी नेम दिए, मान लीजिए 7 दे दिया आपने, 7 जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या पाइथन क्या करेगा, एक इसको क्रिएट करेगा और ऐड कर देगा लास्ट में अपेंड की तरह यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या ऐसा वैसे अपेंड के तो यहाँ लेकिन ऐड हो जाएगा 7
18, 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 18
क्वेश्चन ही हो गया क्योंकि ब्लैंक था उसमें एक वैल्यू 18 आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि हमारा सारे कॉलम में डिफरेंट वैल्यू हो तब आप क्या करेंगे, तब यूज करेंगे लिस्ट। मैंने आपको प्रीवियसली एग्जांपल कॉलम में समझाया था, देखिए यहां पर लिख दिया हूं, इफ देर इज नो रो लेबल, इफ देर इज नो रो विद द सच रो लेबल, अगर एग्जिस्ट मैच नहीं कर रहा है देन पाइथन एड अ न्यू रो विद दिस रो लेबल एंड असाइन गिवन वैल्यू टू ऑल ऑफ इट्स कॉलम, सारे कॉलम में सेम वैल्यू को असाइन कर देगा क्योंकि एक ही वैल्यू आपका इनपुट में है। यहां पर अगर आप एड करना चाहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलम के हेडिंग में तो आपको लिस्ट यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सेम मान लीजिए आप यूज करना चाहते हैं इफ और DF3, ये एग्जिस्टिंग में भी एप्लीकेबल है और एडिंग भी करना है उसमें एप्लीकेबल है। डॉट लिखे एड, मान लीजिए आप एक 9 एक रो नेम इंडेक्स है कॉमा कोलोन इक्वल टू लिस्ट दे दें, क्या देते हैं आपको 51 52 53 54 वैल्यू 1 2 3 4। देखिए अगर आप यहां पे नंबर मैच नहीं करेगा तो एरर डिस्प्ले करेगा। सपोज कीजिए आपने यहां 3 वैल्यू अप्लाई किया तो ये एरर डिस्प्ले करेगा पाइथन, ठीक है ना। क्या लिखेंगे यहां क्या हो जाए इसका इफेक्ट क्या है, जब आप DF3 करेंगे तो एग्जाम्पल क्या आएगा, इसका एग्जाम्पल डिस्प्ले क्या करेगा हैश 9 51 52 53 54, बिल्कुल सिमिलर है कॉलम की तरह, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिलीटिंग अ कॉलम।